वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। सिटी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो अब जैसा हम करते हैं कि ब्रेक के बाद लेते हैं सोशल मीडिया से सवाल। तो कई सारे दर्शक हैं इस वक्त ऑनलाइन और सवालों की भरमार है। भुवन पांडे साहब पूछ रहे हैं, हरिओम पाइप्स 155 स्टॉक्स हैं इनके पास, 590 के भाव में, और लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं सर। भी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी रेंज बाउंड स्टॉक है, नीचे में 550 और ऊपर में 650 पे पस्त हो जाता है, तो मोमेंटम इसमें कोई खास नहीं है, तो लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, निकलने की सलाह सर। और मैं माफी चाहूंगा, मैं बार बार आपके सरनेम के साथ थोड़ा आगे पीछे चला गया। तो अमित सेठ साहब हैं हमारे साथ इस वक्त और मैं सेठी के प्रोनाउंस कर रहा था, मैं माफी चाहूंगा सर। ऐसे क्यों बात नहीं है जी। रश्मि भाटिया हैं हमारे साथ और पूछ रही हैं सर कि हिंदुस्तान जिंक में वो इस वक्त क्या एंट्री ले सकती हैं? जी। विपिन जी, हिंदुस्तान जिंक में हमने काफी शार्प रनअप देखा और स्टॉक एक तरह का फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर आपका व्यू नजरिया थोड़ा सा पोजिशनल है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 620 का स्टॉप लॉस है। अगर आप पोजीशन साइज करेक्ट रख सकते हैं तो 620 के स्टॉक के साथ बने रहे और यहाँ पे आने वाले दिनों में हम लगभग 720-750 तक की तेजी देखेंगे, बट स्ट्रिक्टली एंटर ओनली अगर आप पोजीशन साइज स्टॉपों के हिसाब से करेक्ट रख सकती है तो। ठीक है जी, ये सलाह हो गई हिंदुस्तान जिंक पर। अब कन्हैया सिंह साहब का सवाल है, वेदांता है इनके पास 275 के भाव में और 5000 हैं, लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है वेदांता का, अभी रिसेंटली भी हमने काफी एक शार्प रनअप देखा, 286 ऑलमोस्ट स्टॉक 486 हो गया 2-3 महीनों में, तो बने रहे। स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे 410 का लगा के रखे, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटिंग मोड में है बट ट्रेंड इज इंटैक्ट जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो गया है समाप्त, तो आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और कल के लिए उन्हें स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट की। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इन किसी भी स्टॉक में मेरी ना कोई ट्रेडिंग पोजीशन है ना कोई इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, दिस इज ऑल आई वांट टू से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी। तो चलिए, ये हुआ कल का बाजार और आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये आधा घंटा बिताया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कल एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।